हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्रिकेटर्स गार्डन। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उनका छोटा बे, तो आप मुझे टपियोका वाले वीडियो में ज़रूर देखे होंगे। तो ये है हमारा स्टार ऑफ बेथलहम, ठीक है। सो ये जो है इसमें छोटी सी कली आई हुई है, आप देख सकते हो इधर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें छोटी सी कली आपको दिख रही होगी शायद, कैमरा जो है वो अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये रहा, यहाँ पे है छोटा सा, बहुत छोटा सा, 3 साल लगे हैं इसमें कली आने के लिए। एंड प्लांट हमारा आप देख सकते हो कितना अच्छे से ग्रो हुआ है, एंड इधर से भी ग्रो हो रहा है, देखिए। एंड सो इसमें कली आई हुई है तो इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं जो आज फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ, ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र में 2 लीटर का बॉटल में मैंने बनाया है, तो उसमें मेरी गोल्ड के जो पेटल्स होते हैं उसको पानी में हमने 1-2 महीना तक रखा था, जिससे कि वो पानी जो है वो मेरी गोल्ड वाले ये से मीन्स वो सेंटेड हो गई है, ठीक है। बहुत एंड उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें अपने प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। जिस जब भी हम अपने कोई भी प्लांट में उस लिक्विड को डालेंगे तो हमारी जो लीव्स हैं वो शाइन करती है। एंड दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो है अनियन एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज का जो छिलका होता है उसको 2 दिन तक पानी में भिंगा कर रखा था, और उसका जो पानी उसमें उसका हमने लिया है और 2 लीटर के बॉटल में डाला और उसमें 2 लीटर पानी मिक्स किया है। तो मैं आपको वो फर्टिलाइज़र दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, ये है 2 लीटर का स्प्राइट का एक बॉटल बड़ा वाला, एंड इसमें मैंने एक टाइप का स्प्रेयर का ढक्कन लगा दिया है। तो इसको मैं अभी स्प्रे करने वाला हूँ, मिक्स कर चुका है। देखिए पानी का कलर आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स्ड है। आप सादा पानी मिक्स कर दीजिए लेकिन अपने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में एंड स्प्रे करिए। तो अभी मैं स्प्रे करता हूँ, देखिए कली में भी थोड़ा सा स्प्रे करता हूँ। देखिए इस तरह से आपको अपने इस प्लांट में स्प्रे कर देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। एंड ये है प्लूमेरिया का प्लांट जो हमने एक टिन में लगाया है, ऑयल के जो टिन्स आते हैं, ठीक है, उसको कलर करके इसमें लगाया है। तो इसमें भी मैं स्प्रे कर देता हूँ, देखिए देखिए कितने आपको अच्छे से स्प्रे करना है, हर तरफ हर पत्ते में करना आपको स्प्रे। तो मेरी मम्मी आज वीडियो नहीं बना रही क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, असल मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिए हैं। सो ये है हमारा दूसरा पैन जिसमें हम ये वाला जो फर्टिलाइज़र है इसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र से स्प्रे करने वाले हैं, तो स्प्रे करते हैं। सो ये जो फर्टिलाइज़र है ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स एज वेल एज लीव्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ज़रूर से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने घर में बनाइए, ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। तो इसे आप ऐसे स्प्रे करिए अपने प्लांट्स में तो आपका प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग भी अच्छे करेंगे, फ्लावर भी हेल्दी रहेंगे, और फ्लावर जो है वो जल्दी नहीं सूखेगी, ठीक है, फ्लावर जो है जल्दी नहीं सूखेगी। एंड थोड़ी ज़्यादा दिन तक आपके फ्लावर्स जो है वो फ्रेश रहेंगे, एंड आपके जो लीव्स भी है वो जल्दी नहीं सूखेगी, जल्दी येलो नहीं होगी। तब ज़रूर से ये फर्टिलाइज़र को ट्राई करिए। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स अच्छे से रहेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे, ग्रो भी अच्छे से करेंगे। आप इसे फ्लावरिंग प्लांट्स में दीजिए, आपका फ्लावरिंग बहुत अच्छा होगा, साथ में आपके जो पत्ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के पत्ते वो भी अच्छे से
रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और सजेस्ट भी करिए। एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऑल पे, ताकि हम जब भी नया वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।